मौके पर किसानों ने नए कृषि कानून की पिड़ियां जलाई। नए कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन को अब 50 दिन हो चले हैं और अब इस आंदोलन में तेजी आ गई है। किसानों ने अब नए कृषि कानूनों की प्रांतियां जलाना शुरू कर दी हैं। बसंत की शुरुआत में लोहरी का त्योहार मनाया जाता है और इस दिन लोग लकड़ियां इकट्ठी करके उनको जलाकर सुख स्मृति की कामना करते हैं। लेकिन इस बार लोहरी के मौके पर किसानों ने कृषि के नए कानून की पिड़ियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। जनपद बिजनौर के सियोहारा ब्लॉक में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने नए कृषि कानूनों की पिड़ियां जलाकर प्रदर्शन किया। ये जो आपने आज पिड़ी जलाई, किस चीज की जलाई है? देखो, ये जो कृषि काले कानून सरकार लेकर आई है उसका हमने विरोध किया है और ये पिड़ी भी जलाई है। कौन से कानून है ये? कृषि के लिए जो काले कानून लेकर आए हैं, इस किसान के लिए एक ऐसा तोहफा सरकार ने दिया है जो इन किसानों को पूंजीपतियों के हाथ सौंपना चाहते हैं। उसका भारतीय किसान यूनियन जिस दिन से ये कानून लेकर आए हैं उसी दिन से विरोध कर रहे हैं और हमारा लगातार दिल्ली आंदोलन चल रहा है। वहाँ से हाईकमान का आदेश हुआ है तो हम यहाँ क्षेत्र में आए हैं और किसानों को बड़ी संख्या में 26 जनवरी की तैयारी चल रही है। तो अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है? सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट के हम जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश वो सम्मान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको होल्ड पर रख दिया है। लेकिन हम होल्ड पे मानने वाले नहीं है। कृषि कानून जब तक रद्द नहीं होंगे इनका विरोध जारी रहेगा। ठीक। आखिर क्या चल रहा है राजनीति के गलियारों में? की सरहदों पर खून बहाता हमारा किसान, गांव के खेतों में पसीना बहाता हुआ हमारा किसान, भारतीय संस्कृति की विरासत हमारे देश की शान। आ रहा है आरएसी न्यूज नेटवर्क अपने नए अंदाज में, बेखौफ इरादे मजबूत कदमों के साथ।